आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंप एवं नगर पालिका विभाग के पास फजिलगंज मोहल्ला अंतर्गत मेन रोड पर स्थित दो किराना दुकानों की शटर तोड़कर चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जहां ये चोरी की वारदात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गोलू किराना दुकान एवं दीपक किराना दुकान में हुई है, जिसकी सूचना किराना दुकान मालिकों के द्वारा कोतवाली को दी गई एवं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की गई। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि आए दिन जिले के विभिन्न स्थानों में चोरी की वारदात निरंतर बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं। जहां पुलिस से यह मांग की जाती है कि जल्द से जल्द चोरों का पता लगाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि जिले में यह चोरी की कोई पहली घटना नहीं है और इसके पूर्व में भी अनेकों वारदात हुई है। चोरी की वारदात निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लोगों में भय का माहौल बना हुआ है एवं चोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने की पुलिस से मांग की जाती है। पेश है उमरिया से संघर्ष की खास रिपोर्ट। उमरिया में फजीलगंज में कहीं भी चोरियाँ हो जाती है, शटर तोड़ते हैं या जैक से खोलते हैं, क्या करते हैं, चोरियाँ कंटिन्यू हो रही है, जिसमें शासन ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग का निवेदन है कि व्यापारियों का कि इसमें ध्यान दिया जाए और चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पता चला कि गोरू किराना स्टोर और दीपक किराना स्टोर यहाँ पे ताला टूटा है और रात में करीब 2 बजे अपना एक मित्र है सलमान खान, वो गया था भाई को लेने स्टेशन, तो वो बताया कि गोलू किराना स्टोर में ताला टूटा है, अंदर कुछ लोग टॉर्च लेके शायद चोरी कर रहे थे, लेकिन वो जल्दी की वजह से चला गया और 100 नंबर भी डायल किया। लेकिन फजिलगंज इलाके में दो दुकानें जिनकी शटर तोड़कर चोरों ने कल रात में चोरी की है। उमरिया में ये पहली घटना नहीं है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो पुलिस वालों से निवेदन है कि आपकी ड्यूटी 24 आवर रहती है, तो कृपया कर इसका विशेष ध्यान। मेरे बगल में दीपक किराना में चोरी हुई है, उसी के सामने जस्ट गोलू किराना में भी चोरी हुई है, आए दिन ये वारदात यहाँ पे होती रहती है। व्यवसाय में जो लोग यहाँ जी रहे हैं, हमारी पुलिस से मांग है कि कृपया यहाँ पे उचित कार्यवाही करके व्यापारियों का सहयोग करें। रात्रि में दुकान से दो दुकानों में चोरी हुई है, मेरे दीपक किराना स्टोर और सामने मेरे दुकान के सामने ही गोलू किराना स्टोर है, वहाँ से भी चोरी हुई है और ऐसा अंदाज मुझे हो रहा है कि कई हजारों या लाखों में हो सकता है कि चोरी हुई हो, जो मैंने सूचना थाने में दे दी है। अभी तक यहाँ स्टाफ नहीं पहुँचा है और जैसे ही आते हैं तो उसके बाद शटर खोल देते हैं। सर ये हमारे यहाँ कल रात को 10 बजे दुकान बंद करके चले गए, पुलिस वालों को आने की सवेरे रात को बंद करके चले गए, सवेरे आए तो हमारा शटर टूटा मिला और सामने की दुकान दीपक किराना उसका भी टूटा मिला और हमारा गोलू किराना का भी टूटा मिला। क्या सामान गया है सर? अभी हम लोग गए थे तो थाने में 10 बजे बुलाया है, तो अभी वहाँ कंप्लेंट करने जाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या चोरी हुआ है। अभी हमको कुछ जानकारी नहीं, तो सब ऐसा है कि सामान बहुत कुछ ले गए हैं और क्या क्या ले गए अब ये तो हम बाकी पूरी जानकारी बाद में मिलेगी। जब देखिए उमरिया जिले में लगातार चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है, आज भी फजिलगंज मोहल्ले में मेन रोड में दो किराने की दुकानों में चोरी हुई है, रात में चोरी हुई है। सुबह जब दुकान मालिकों को पता चला, मोहल्ले के लोग सब इकट्ठे हुए, मैं भी उसी मोहल्ले में रहता हूँ, दो दुकान है आसपास लगातार, उसका शटर उठा करके आधा शटर खोल करके मनमानी तरीके से लोगों ने बहुत आराम से चोरी किया, देखने में प्राइम पैसे ऐसा लगता है। और ये आश्चर्य की बात यह है कि दुकानदार को सुबह 6 बजे जब पता चला कि हमारी दुकानों में चोरी हो गई है, तो उन्होंने जाकर के थाने में चोरी की सूचना दी, लेकिन 10:30 बजे तक पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची थी और 10:30 बजे तक पुलिस ने घटना की विवेचना और जांच करना प्रारंभ नहीं किया था। यह बहुत बड़ी आश्चर्य की बात। कोतवाली थाना अंतर्गत लोकल उमरिया नगर पालिका क्षेत्र में ये जो फजीलगंज में रोड है, इस पर गोलू किराना और दीपक किराना में शटर को तोड़ करके चोरी को कामयाब किया गया है चोरों के द्वारा। और उमरिया जैसी जगह और भी नगर में पुलिस की जो गश्ती चल रही है, नेपाली लोग भी यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ऐसी स्थिति में और शटर को तोड़ा गया, लोगों को क्या आवाज़ नहीं आई होगी या पुलिस को इनके द्वारा सूचना भी रात में दी गई पर मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। हमारा ये कहना है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इससे चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है और लोग जो है असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इस पर प्रशासन को तत्काल संज्ञान में इस मामले को लेकर जो व्यक्ति इस तरह की हरकत किया है उसे सलाखों के पीछे तत्काल करना चाहिए
ताकि लोगों का जनजीवन और माल